मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा बॉटनी का पेपर सेकंड। ठीक है, जनरली हम जो है बीएससी के लेक्चर देखते आ रहे हैं, तो फर्स्ट बॉटनी के जो लेक्चर है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जो कि हम देखे चल रहे हैं सबसे पहले बॉटनी सेकंड पेपर से। ठीक है, पेपर का नाम है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी थर्ड ईयर में है उनके लिए है ये लेक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपका बॉटनी का सेकंड पेपर है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी, या फिर ये जो बुक है उसमें हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम पीपीटी के अंदर सिलेबस देख लेते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस दे रखा है हमारा यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट आपको बताइए हमारी पांच यूनिट्स आती है, तो सबसे पहली और दूसरी और तीसरी है ना यूनिट जो है हमारी वो रिलेटेड है प्लांट फिजियोलॉजी से। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और फिफ्थ यूनिट जो है जनरली हम उसको एज अ बायो केमिकल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें हमको सारी बेसिक चीजें पढ़नी है जो हम जो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है, जैसे कि डिफ्यूजन क्या है ना, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या है, डीपीटी क्या है, इसके अलावा प्लांट के अंदर प्लांट और वाटर का रिलेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम पहली यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमारा दे रखा है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के बारे में जितनी भी चीजें आती हैं, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि C3 साइकिल क्या होता है, सबके बारे में जनरल आइडिया आपको पहले से ही है। तो ये हम ये समझ सकते हैं कि हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, श्वसन से रिलेटेड है। तो श्वसन के अंतर्गत आपके जितने भी साइकिल्स आते हैं, श्वसन में जो ऑर्गन, पादप का जो ऑर्गन काम आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइकिल्स आपके क्रेब्स है, ईटीएस है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में जैसा कि आप देख सकते हैं पीपीटी के अंदर, फोर्थ यूनिट जो है हमारी वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जनरली इसके अंदर दे रखे हैं कि पादप की वृद्धि को बढ़ाने वाले हॉर्मोन कौन कौन से। और लास्ट यूनिट के अंदर हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं जो हमारे टिश्यू कल्चर के अंदर काम में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच मीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है, तो कुछ कैलोरीमेट्री है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें जो है वो हम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि हमारी बुक का नाम क्या है, पेपर का नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेल का डायग्राम बना के रखा है, लेकिन इससे पहले हमको एक बेस पर जाना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर देखना है कि हम इस किताब के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से। तो प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, अब प्लांट फिजियोलॉजी हम बॉटनी के संदर्भ में पढ़ते हैं, क्योंकि बॉटनी के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम सभी पादपों की सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो कहीं पर भी प्लांट की फिजियोलॉजी आ गया, इसका मतलब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी जगह एनिमल फिजियोलॉजी आ गया होता तो जनरली पता है आपको जूलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के द्वारा, पादपों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक टिपिकल लैंग्वेज हो गई, अगर हम इजी टर्म में कहें कि प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट क्या क्या काम करते हैं, प्लांट्स की दिनचर्या क्या क्या है, प्लांट का रूटीन क्या है। तो कुल मिलाकर के प्लांट्स के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल मैकेनिज्म्स, ऑल एक्टिविटीज
देन बाय प्लांट्स, इसका मतलब पादपों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो अब आप खुद ही सोचिए कि प्लांट्स जो है वो दिन भर में क्या क्या काम करते हैं, आपको सब देखना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्लांट्स इन शॉर्ट अपना खाना ही बना रहे हैं, इसके अंतर्गत ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादपों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का अध्ययन करते हैं और वातावरण के साथ इनका जो संबंध है उनका भी अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स का पानी के साथ, प्लांट्स का हवा के साथ क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बोला कि प्लांट्स क्या क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, हम सब जानते हैं, फूड फॉर्मेशन है ना। ये एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं। हम सब डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर होता है, कौन से ऑर्गन के अंदर। सभी को पता है कि प्लांट्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जिसके अंदर सारे पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो प्लांट्स जो है वो सांस लेते हैं, इसका मतलब श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट्स जो है और क्या काम करते हैं। प्लांट्स की लंबाई में वृद्धि होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ग्रोथ भी एक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्रोथ। इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो जो भी काम करते हैं, प्लांट्स की एक्टिविटी क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, प्लांट फिजियोलॉजी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पादप कारिकी। नाम से ही क्लियर है कि पादप कारिकी के अंतर्गत क्या होता है, आपका पादपों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, हम ये सारे काम पढ़ेंगे जो प्लांट्स जो है वो डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, अगर हम बात करें पितामह की, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। ठीक है, स्टीफन हेल्स जो है आपके वो जाने जाते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये जनरल बातें हमने डिस्कस करी अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, तो हमने देखा कि प्लांट फिजियोलॉजी विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादपों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का अध्ययन करते हैं और इनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया कि क्या क्या काम करते हैं। सेकेंड बात हमने देखी कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कारिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो हमने बोला स्टीफन हेल्स को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, अब प्लांट फिजियोलॉजी तो हमने देख ली क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत कि आपकी सेल क्या होती है, प्लांट सेल कैसी होती है। जब तक हम प्लांट सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि सेल के पास में ऑर्गन कौन कौन से और उन ऑर्गन्स में क्या स्पेशल काम जो है वो होता है। जैसे कि हमने बोला फोटोसिंथेसिस है ना, प्लांट एक, यह एक फंक्शन है प्लांट्स के द्वारा किए जाने वाला, लेकिन ये होता कहाँ है, तो ओनली प्लांट्स के अंदर होने वाली क्रिया है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट के सेल के है ना, सेल मतलब कोशिका के कहाँ पर होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर केवल प्लांट्स के पास उपस्थित होता है, इसीलिए हम प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के, तो हमको सबसे पहले ये भी समझना होगा कि व्हाट इज सेल। सबसे पहले आपको प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक मतलब
पीपीटी के अंदर भी देख लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमने देख लिया कि व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। हमारा जो एजेंडा है वो आपको यही समझाना है कि एक जो प्लांट फिजियोलॉजी है आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं वो क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन ब्रांच ऑफ बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्लांट्स आर स्टडीड इन इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब पादपों के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, जैविक कार्य हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। वो बायो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बायो फिजिकल भी हो सकते हैं, बायो केमिकल भी हो सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ जितने भी टाइप के काम जो है वो करते हैं उसके बारे में। इसके अलावा हम जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इन पादपों का वातावरण के साथ संबंध उसका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है सेल जो है डिस्कवर जो है सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, है ना, रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज करी थी सूक्ष्म, क्योंकि आप सभी को पता है सेल को आप ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। कोशिका जो है वो जीवित जीवों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी क्योंकि उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था सरल सूक्ष्मदर्शी। तो उन्होंने देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना दिख रही है, कुछ प्लेस दिख रहे हैं, उसको उन्होंने क्या बोला सेल, क्योंकि सेल जो होती है वो आपकी ऐसा हम क्या बोलते हैं सेल को, बेसिक यूनिट बोलते हैं। कोशिका को हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो है आपकी लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेल जो है वो ग्रुप मिलकर के, सेल्स का ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू, ठीक है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट, क्योंकि सेल जो है वो सिंगल यूनिट है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बना देता है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, टिश्यू सिस्टम, ठीक है। टिश्यू सिस्टम मिलकर के क्या बना देता है, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कोशिका, उत्तक, उत्तक तंत्र, ठीक है, अंग, अंग तंत्र और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से सेल जो है वही मिलकर के सारा एक ऑर्गेनिज्म बना रही है, इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लांट सेल का डायग्राम बना रखा है। प्लांट और एनिमल सेल में कुछ जनरल डिफरेंस होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल कहाँ पर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंतर्गत। बाकी मोस्ट ऑफ चीजें जो होती है वो कॉमन होती है, तो हम डिफरेंसेस ज्यादा पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट काम आता है किसके अंतर्गत, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेल वॉल है ना, जो यहाँ पर हमने डिस्कस करी है, ठीक है, ये जो सेल वॉल है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पादप कोशिका की, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि उसको एक क्या करती है, सेल वॉल का काम क्या होता है, मृत होती है, एक क्या करती है, इसको दृढ़ता देती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वैक्यूल्स, हर ऑर्गन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जनरल डायग्राम, एक जनरल जो व्यू है वो आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए हैं उसको ढक के रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है, ये जो है हमारी गोल्जी उपकरण है, इसके भी फंक्शन हम पढ़ेंगे। आर एन आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ER सबने सुना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस आपका हो जाएगा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। तो इस प्रकार से जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की बात करी वो कहाँ पर काम आ रहा था? आपका फोटोसिंथेसिस में। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लाइफ है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। तो ये आपका हो जाएगा जिसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हमारे एक सेल का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। ठीक है, तो ये सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। हम पीपीटी के अंदर देख सकते हैं, और इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो हमने क्या
पॉइंट जो है वो जनरली पूछा जाता है। तो सेमी परमेबल टर्म जो है वो सबसे पहले किसने यूज किया, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो है वो सबसे पहले किसने यूज किया, तो क्रेमर और नागेली ने 1855 में। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक विशेषता तो मैंने आपको बता दी कि ये सेलेक्टिव परमेबल या फिर सेमी परमेबल होती है। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये, है ना, क्योंकि हम बाकी ऑर्गेनल्स का जैसे जैसे जहां जहां पॉइंट आएगा हम वहां डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दूसरी बात ये होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर या उसके केमिकल कंपोजिशन देखें कि ये किस किस की बनी होती है। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। ठीक है, लिपोप्रोटीन नाम से क्लियर है, लिपिड और प्रोटीन की, किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो ये लेयर होती है आउटर मोस्ट, है ना, जो साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, उसका हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। अब इसके अंतर्गत लिपिड और प्रोटीन के अलावा कुछ सेमी क्वांटिटी में हम बोल सकते हैं ऑलिगोसैकेराइड भी उपस्थित होते हैं और पानी भी होता है, वाटर भी होता है। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड 0.05% समथिंग होता है और वाटर जो है वो 20% होता है। ठीक है, वाटर आपका 20% और ऑलिगोसैकेराइड है वो आपके होते हैं 0.05%। तो ये कुछ केमिकल स्ट्रक्चर जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दी, क्रेमर और नागेली ने 1855 में। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि वो सेमी परमेबल होती है, और कौन आएगा सेल के अंदर, कौन एंटर करेगा और कौन सेल से बाहर जाएगा, उसका सारा कंट्रोल किसके पास होता है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि ये कैसी होती है, लिविंग होती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल डेड और ये लिविंग होती है, तो आना जाना सारा यही देखती है। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी किसकी बनी होती है, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। और इसी के बेसिस पर अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेनियल और डेविसन का मॉडल, ठीक है, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में। सबसे पहला मॉडल है डेनियल और डेविसन का, ठीक है, इन्होंने दिया था सैंडविच मॉडल, क्या कहा था हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रूफ करने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये दिया था, सेकेंड मॉडल दिया था आपका रॉबर्टसन ने, ठीक है, और मॉडल का नाम क्या दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, थर्ड मॉडल जो है हमारा, जो मोस्ट वैलिड मॉडल है, सबसे अच्छा और माना जाने वाला, अभी तक सबसे मान्य जो मॉडल है वो यही थर्ड मॉडल है, और उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंगर और निकल्सन ने इसको दिया था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी या नाम किसने दिया था, तो ये जनरल कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, हम देख सकते हैं पीपीटी के अंतर्गत, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नागेली और क्रेमर ने सबसे पहले इसको नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है सेफ्रीज, ठीक है, इन 1928 एंड जिन इन 1931, जे फ्लावर, ठीक है, कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जनरली हम क्रेमर और नागेली के ही जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी जो दी थी वो क्रेमर और नागेली द्वारा दी गई थी। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका, कि केमिकल कंपोजिशन जो है इज मेनली कंपोज ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेनली किसकी बनी होती है, लिपो प्रोटीन की। द अमाउंट ऑफ ग्लाइको लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, है ना, ग्लाइको लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो काफी हाई क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट, इन द मेम्ब्रेन अराउंड द सेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स, इन एडिशन टू प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड के अलावा इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो प्रोटीन और लिपिड के अलावा इसके अंतर्गत आपका ऑलिगोसैकेराइड होता है,
1.5% समथिंग, ठीक है। इसके अलावा पानी होता है, वाटर होता है 20%, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो 20:70, लेकिन हम एक फिक्स रेशियो लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि ये रेशियो जो है वो आपके ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि ये किसकी सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू चले हैं, हम कहाँ से स्टार्ट किया था, एक बेसिक सिलेबस से स्टार्ट किया था, तो ये आपके सिलेबस का ही एक बेसिक पॉइंट है। इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया, सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है वो सब देख लिया। फर्स्ट यूनिट बेसिक है पूरी प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसमें हम ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, लिपिडी, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखिए सेकेंड यूनिट, तो पूरी फोटोसिंथेसिस के ऊपर है और एंजाइम है इसके अंतर्गत। तो हम देखेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है इसके अंतर्गत। ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे कि क्या होता है क्रेब्स साइकिल, पीटीएस क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका रेस्पिरेशन के सारे फैक्टर जो है कौन उसको अफेक्ट करता है ये देखेंगे, और फैटी एसिड बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट आपकी पूरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर बेस्ड है, तो इसके अंतर्गत हमारे पास पांच है, ऑक्सिन, ज़िब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या काम आते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या काम आते हैं, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सीड डोरमेंसी क्या होता है, सेनेसेंस क्या होता है, फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, इन सब के बारे में। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारा, इसमें हम सारे पीएच मीटर, सेंट्रीफ्यूगेशन, कॉलोरीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, जो आपकी माइक्रोस्कोपी जैसे इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये सब देखा हमने। नेक्स्ट हमने फिजियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया, सेल क्या होती है ये हमने डिस्कस किया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या खास बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो एक बेसिक जो है हमारा वो